everyone, a very warm welcome to all of you to Tandon Classes. My name is Yashika Tandon, presenting you a next video based on tissues, guys. So, ये tissues की part number second है, जिसमें हम बात करने वाले हैं permanent tissues के बारे में. Very very important, guys. इनके बारे में बहुत सारे important questions पूछे जाते हैं, तो आप इनको याद रखिएगा जो भी आज हम बात करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ टिश्यूज़ के बारे में, तो मैंने आपको ऑलरेडी प्लांट के टिश्यूज़ के बारे में कल सारी इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो दे दी थी. अगर आपने वो लेसन वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखें, फिर आपको ये पर्टिकुलर लेसन जो है वो समझ आएगा, ठीक है. जिसमें हमने मेरिस्टमेटिक टिश्यूज़ के बारे में बात की थी, वो टिश्यूज़ जो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं. आज हम बात करने वाले हैं आपके परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, जो कि सेकंड बेसिकली टाइप है आपकी. परमानेंट टिश्यूज़ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जनरली ये बच्चों को काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगते हैं, बट अगर देखा जाए ये काफ़ी ईजी होते हैं. अगर इनको एक बार में समझ आ जाए तो आपको ईजिली समझ आ जाएंगे कि इनमें कुछ ऐसा देखने वाला नहीं है. तो जब मैं बात करती हूँ परमानेंट टिश्यूज़ की, ये दो तरीके में कैटेगराइज होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए. सबसे पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़. कौन से टिश्यूज़ होते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, ओके. देन एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़. इनकी फर्दर टाइप हम बाद में करेंगे, पहले हम इनके बारे में बात करते हैं कि सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ में क्या फ़र्क होता है. तो जब मैं बात करती हूँ सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में, तो इनके बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा कि बताइए जो आपके सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो कौन से सेल से बने होते हैं. सिमिलर टाइप, यानी कि सिंपल ही सिमिलर टाइप्स, ओके. सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल से ये बने होते हैं. यहाँ पर आप करेक्शन कर लीजिएगा, सिमिलर टाइप्स, ओके. फर्दर अगर हम इनके बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि इनका जो फंक्शन होता है या इनकी जो कैटेगराइजेशन होती है वो तीन तरीके में होती है. सबसे पहला आता है आपका पेरेंटेमा टिश्यूज़. यहाँ पे मैं इनके नाम लिख रही हूँ, देख लीजिएगा, पेरेंटेमा टिश्यूज़. एंड सेकेंडली होते हैं आपके कोलेंटेमा, ओके. एंड थर्डली आपका होता है सिक्लेंजमा, ओके. ये तीन तरीके के टिश्यूज़ होते हैं जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ में आप कैटेगराइज करते हैं. अब इनके बारे में गाइस क्वेश्चन क्या क्या पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए. जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की, हमने ये देखा कि ये सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स से बने होते हैं, है ना. अब कई बार ऐसा होता है कि इनकी वर्किंग, इनकी पोजिशन और ये किस शेप के होते हैं, इनके बारे में पूछ लिया जाता है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए. सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की, तो ये डिफरेंट सेल से बने होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं. और यहाँ पर इनकी जो कैटेगराइजेशन होती है वो दो तरीके की होती है, जाइलम एंड फॉलम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार इनके बारे में पूछा जाता है और अभी हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ की टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो उनका जो है क्या वर्क होता है. तो सबसे पहला टिश्यू जो मैंने आपका लिया है वो आपका लिया पेरेंटेमा टिश्यू. अब इनके बारे में बात करते हैं. अगर इनके बारे में बात की जाती है तो ये पॉलीगन शेप्स में पाए जाते हैं, ठीक है. पॉलीगन शेप्स, ओवल शेप्स, इस शेप्स में ये पाए जाते हैं. फर्दर अगर मैं बात करती हूँ इनके बारे में और, तो यहाँ पर इनकी जो सेल वॉल होती है, अगेन उसको सेल्यूज बोला जाता है. जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि जितनी भी आपकी जो सेल्यूलोसिक वॉल बोला जाता है, सेल्यूज से बनी होगी, है ना. उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपकी इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है वो मौजूद होती है. अब इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या है? इंटरसेलुलर स्पेस का मतलब क्या है कि जैसे आपका टिश्यू है, टिश्यू क्या होता है, एक तरीके का ग्रुप्स होता है सेल का. तो यहाँ पे सेल्स जो होंगे सिमिलर टाइप्स के, इस तरीके के. तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो पेरेंटेमा टिश्यूज़ होते हैं उनमें जो सेल्स होते हैं वो इतने टाइटली बाइंड नहीं होते हैं, उनमें थोड़ी सी स्पेस होती है. इस स्पेस को हम बोलते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेस है, जैसे कि आप केमिस्ट्री में भी करते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस क्या होती है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखना है, इनका जो मेन फंक्शन होता है गाइज वो होता है कि फूड को स्टोरेज करना. फूड स्टोरेज जो है ये करते हैं,
ओके और यहाँ पे फोटोसेंसेस इनके द्वारा होती है, फोटोसेंसेस भी इनके द्वारा जो है परफॉर्म की जाती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये जो टिश्यूज होते हैं ये लिविंग सेल से बने होते हैं, ठीक है। ये कुछ बातें आपको इनके बारे में याद रखनी है। कई बार ऐसे होता है कि पूछ लिया जाता है क्या इनके सेल्स में न्यूक्लियस मौजूद होता है, तो यस अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, और अगर हम बात करते हैं वेस्कुल टाइप्स वेक्यूल्स भी मौजूद होते हैं, लार्ज टाइप के वेक्यूल्स होते हैं, सेल वाले चैप्टर्स में आपने पढ़े होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अगला पार्ट करते हैं। अब हमारे पास आता है दूसरे टिश्यूज जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं अंजी, अभी आपको बता दे रखी हूँ, कोलेंचमा टिश्यूज, ओके। अब इनके बारे में अगर बात की जाती है गाइस, ये जो होते हैं शेप वाइज ये सर्कुलर, ओवल और किसमें पॉलीगन में पाए जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है काफ़ी थिक होती है, सेल वॉल काफ़ी थिक होती है इनमें। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म जैसे आपने जो जितने भी पिगमेंट्स पढ़े थे, मैंने आपको प्लांट्स के पिगमेंट्स पढ़ाए हैं डाइवर्स सेल वाले चैप्टर में, तो आपको वो चैप्टर अच्छे तरीके से देखना ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ आ जाए। साइटोप्लाज्म जो होता है इनमें प्रेजेंट होता है जबकि पिछले वाले टिश्यूज़ में एब्सेंट होता है, ये कुछ डिफ्रेंशिएट इनमें आता है। और अगर हम बात करते हैं इनमें इंटरसेलुलर स्पेस भी मौजूद नहीं होती है, इंटरसेलुलर स्पेस जो होती है वो भी इनमें मौजूद नहीं होती है। फर्दर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो ये जो पर्टिकुलर टिश्यूज़ होते हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, इनके बारे में कई बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो टिश्यूज़ होते हैं ये बेसिकली आपके स्टेम्स में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, स्टेम्स में पाए जाते हैं, ठीक है, और पेटियोल में पाए जाते हैं। अभी आप स्टेम्स में याद रखिए, आगे जब मैं आपको करवाऊंगी प्लांट्स के पार्ट्स वहाँ पे मैं आपको और थोड़े पार्ट्स बताऊंगी जहाँ पे पाए जाते हैं। फर्दर हमने यहाँ पे बात नहीं की थी कि जो पेरेंचिमा टिश्यूज़ होते हैं वहाँ का वो कहाँ पाए जाते हैं, जितने भी आपके सॉफ्ट पार्ट होंगे ना प्लांट्स के वहाँ पर ये टिश्यूज़ जो हैं वो पाए जाते हैं, ओके। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इन पर्टिकुलर टिश्यूज़ का काम क्या होता है, तो ये जो टिश्यूज़ हैं ये मैकेनिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करवाते हैं प्लांट को, मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, और साथ ही साथ स्ट्रेंथ देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो स्ट्रेंथ होती है, जो प्लांट होता है काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है, उसकी स्टेम जो है वो टूटती नहीं है, वो किसकी वजह से होता है, वो इसी की वजह से होता है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं अगले टिश्यूज़ की, जो हमारे लास्ट टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ है, अगेन यहाँ पे एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये भी जो ऐसे टिश्यूज़ होते हैं ये कौन से सेल से बने होते हैं, लिविंग या लाइक लिविंग सेल से बने होते हैं या हम कह सकते हैं कि डेड सेल से बने होते हैं, तो ये भी लिविंग सेल से बने होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिकलेंचमा टिश्यूज़ के बारे में, तो इनके बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है जल्दी से मैं आपको बता देती हूँ। अगर इनके बारे में बात की जाती है तो ये बहुत वेरिएबल शेप्स में पाए जाते हैं, वेरिएबल शेप मतलब इनकी डिफरेंट होती है शेप्स। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर जो है साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक है, जिसके बारे में हमने देखा था, साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपका एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखनी है, आई थिंक मैंने मिस्टेक की है, दो टिश्यूज़ में आपका साइटोप्लाज्म एब्सेंट होता है, एक आपके सेंचमा टिश्यूज़ और एक आपके बस इसमें ही एब्सेंट होता है, बाकी में आपका प्रेजेंट होता है, वो बाकी के दो टिश्यूज़ होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ये आपको याद रखना है, ओके। और अगर हम बात करते हैं इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं वो एब्सेंट होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर अगर हम बात करते हैं अकरेंस की, तो ये अकरेंस कहाँ कहाँ पर होते हैं, ये बेसिकली आपके सीड में पाए जाते हैं, पल्प में पाए जाते हैं, वहाँ पर ये टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं, और ये प्लांट्स को स्ट्रेस से बचाते हैं, प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट्स देते हैं, तो ये कुछ टिश्यूज़ होते हैं जिनके बारे में आपको पता था।
तो यहाँ पर अगर हमने बात की तो परमानेंट इश्यूज के हमने तीन कैटेगराइजेशन देखी, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से इनके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। अब फर्दर हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आपको दो तीन बातें ही याद रखनी है। एक आपका होता है जाइलम। अब जाइलम किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? अगर आप इस प्लांट के स्ट्रक्चर को देखें, सो हम जैसे जाइलम की बात कर रहे थे, तो देखिए गाइज, रूट से आपका जो पानी है, जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो रूट से आपके प्लांट्स में जाते हैं और आपके लीव्स में आपका खाना बनता है। अब ये रूट्स जो है, वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, वो किस तरीके से लीव्स तक जाते हैं, ये आपका जाइलम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जाइलम की अगर हम बात करते हैं, रूट से आपका वाटर अब्सॉर्प्शन हुआ, तो ये जाइलम जो है, ये टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आपका सारा वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। तो क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन से टिश्यूज जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जाइलम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद फॉलम के बारे में अगर हम बात करते हैं, ये जो टिश्यूज होते हैं ये बेसिकली फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सारे के सारे प्लांट्स के पार्ट में। अब आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, जैसे कि फॉलम है, ठीक है, लीव्स में खाना बनता है आपका, तो लीव्स में खाना बनने के बाद डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स में वो जाता है, ये चीज़ तो चलो हमने देख ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लीव्स में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। लीव्स में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिनको हम स्ट्रोमेटा बोलते हैं। अब स्ट्रोमेटा जो होता है वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? वो गैस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब मेरा इसका मीन क्या है? अब प्लांट्स जो हैं, अगर आप बात करते हैं, तो रात को अपना फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो रात को अपनी गैस एक्सचेंज करते हैं, मतलब प्लांट्स का काम क्या है? आपको ऑक्सीजन देना और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेना। तो ऑक्सीजन का जो, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है वो रात को होता है, तो ये स्ट्रोमेटा के थ्रू ही होता है। और स्ट्रोमेटा को ओपन और क्लोज करने के लिए गार्ड सेल्स का यूज़ किया जाता है। ये चीज़ें आपको पता होनी काफ़ी ज़रूरी थी। तो ये थे आपके सिर्फ प्लांट टिश्यूज़, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए था। जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरीके के आते हैं, वो सारे के सारे थ्योरी जो है मैंने आपको पढ़ा दी है। अगर आपको दिक्कत आती है या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगी उसमें। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग।